हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये वाला डिज़ाइन पैटर्न। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं ये अपने लिए एक कोट बना रही हूँ, तो बॉर्डर मैंने इस तरह से डाल दिया है। ये बॉर्डर मैंने शेयर किया है हिमाचली ब्लॉगर वंदना भारद्वाज चैनल पे, ये मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, आप देखना चाहते हो तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। इसके अलावा अब ऊपर मैं ये वाला पैटर्न यूज़ करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न है और कोट्स पे इस तरह के बड़े बड़े से पैटर्न अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं ये पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पूरे कोट में अब मैं यही वाला पैटर्न यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं कोई और पैटर्न यूज़ करने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी मुझे फिर ये बाद में अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फिर बार बार मैं भी थोड़ा लेजी हूँ, फिर मैंने पूरा इसको नहीं दोबारा से तैयार नहीं किया, तो फिर मैंने आगे इसी को कंटिन्यू कर लिया। तब आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला पैटर्न बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये वाला पैटर्न आपने तैयार करना है। इसके अलावा एक और इसी तरह का पैटर्न है, सेम ऐसा नहीं है लेकिन कोट का ही पैटर्न है, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेंगे। और ये पैटर्न 16 के मल्टीपल में आपको फंदे लेने होंगे, और ये पैटर्न आपका पूरे 26 रोज में कंप्लीट होता है। यहाँ से जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपकी 10 रोज हो जाती हैं, फिर 10 रोज में ही आप इसको घटाओगे, जो ये आपकी डिब्बी है, फिर उसके बाद आपको 6 रोज और एक्स्ट्रा बुननी होगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 रोज आपको एक्स्ट्रा बुननी होगी, फिर आप दोबारा से रो फर्स्ट की तरह चलोगे। तो पैटर्न थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इजी है, और इस तरह के अगर आप कोड वगैरह बनाना चाहते हो तो इस तरह के पैटर्न ना बन भी जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत सिंपल है। हाँ, बस आपको यहाँ इस जाली का ही ध्यान देना होगा। तो मैं ज़्यादा जाली पे स्ट्रेस दूंगी, क्योंकि बाकी तो ये उल्टे सीधे ही हैं, पर एक बार मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से चलना है। तो स्टार्टिंग में आप ये मैंने दो फंदे एक्स्ट्रा ले लिए इस तरह से, और फिर अब देखिए क्या करना है, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर से दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, और फिर अब एक फंदा आपको उल्टा बुनना है। देखिए, अब यहाँ से आप देखिए तो 14 फंदों को हमने पहले ये इस तरह से उल्टा सीधा बुन लिया है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप काउंट करना, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 और आगे के जो दो अब उल्टे आने वाले हैं, तो इन पे अब आपने ये वाला डिब्बी अब आपकी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी जाली वाली। तो पहले फंदे को हमने ऐसे ये उल्टा ले लिया है, यहाँ से आप देखते रहिएगा, पहले फंदे को आप ये मैंने उल्टा ले लिया है। तो जो दूसरा अब उल्टा फंदा बुनना है उसके ऊपर हमने जाली क्रिएट करनी है। तो जाली कैसे क्रिएट करनी है, उल्टे पे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उल्टे पे क्रिएट करने के लिए देखिए इस तरह से आपने इसको रैप करना है वूल को। फिर से आप देख लीजिए, ऐसे है वूल, और बस ऐसे ही रैप की बस खाली इस तरह से रैप की, और फिर उसके बाद जैसा आप उल्टा बुनते हो वैसे ही आपने बुन लेना है। तो इस तरह से रैप करने की वजह से यहाँ पे एक फंदा क्रिएट हो गया और ये बस वैसे ही है। तो फिर आगे ये इसी तरह से 14 आपके दो उल्टे दो सीधे आने हैं। देखिए, ये उल्टा बुन लिया, अब आपके सीधे आने हैं। तो सीधे अब हमने दो फंदे इस तरह से सीधे बुन लेने हैं, फिर से दो उल्टे, दो सीधे, तो बस इसी तरह से आपको ये 14 फंदे, ये देख लीजिए, आप देख सकते हो। तो यहाँ से फिर से आपको, और एंड में आपको देखो गैप रखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि यहाँ मैं कुछ और बना रही थी, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। पर आप ऊपर से देखिए इस तरह से, यहाँ से गैपिंग वाली कोई बात नहीं है, बस आपको ये 16 फंदे ही रिपीट करते जाने हैं। फिर से आपने ये 14 बुने, 15 उल्टा बुना और 16 पे फिर से ये चल पड़ा, फिर से बस इसी तरह से आपको चलते जाना है, इन्हीं 16 फंदों को रिपीट करते जाना है। तो ये आगे अब मैं नहीं दिखा रही हूँ,
अब देखिए आ जाती है रो नंबर सेकंड जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो में भी आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपके उल्टे फंदे आएंगे उनको उल्टा और जो सीधे होंगे उनको सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए आप खुद ही पता चलता जाएगा, मतलब यहाँ पे जो सीधी रो में आपने उल्टे बुने थे उनको आप इधर सीधा बुनोगे और जो सीधे बुने थे उनको उल्टा बुनोगे। ये देखिए आप ये भी ये दो सीधे आपको खुद ही देख के ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी ये देखिए उल्टे आ गए तो उनको उल्टा बुन लीजिए, बस दो उल्टे दो सीधे इसी तरह से हैं। लेकिन अब ये आगे जो जाली वाले फंदे हैं उनको एक बार देख लीजिए किस तरह से बुनने हैं। आपने जो जाली मतलब जाली से पहले हमने देखो उल्टा बुना था एक और एंड में भी उल्टा बुना था, तो बस वही वाले फंदे हमारे सीधे बनेंगे और बीच में जो जिन फंदों के ऊपर जो मतलब जाली बनी है उसको हमने उल्टा बुनना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे को वैसे ही इंक्रीज होते जाएंगे। ये देखिए अब ये एक फंदा हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है और फिर अब ये एक ही जाली डाली थी तो अब ये एक फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा इस तरह से। फिर से ये देखिए ये सीधा आ जाएगा, अभी यहाँ पे एक ही फंदा सीधा आ रहा है क्योंकि एक बीच में जाली है तो इसको हमने उल्टा कर दिया। तो बस अभी ये उल्टे वाले ये लगातार बढ़ते ही जाएंगे, अभी यहाँ पे एक बढ़ गया फिर और के नंबर में बढ़ते जाएंगे लगातार, आपको खुद अंदाजा होता जाएगा। बस आगे को ये इसी तरह से है, उल्टे उल्टे हैं सीधे सीधे हैं। तो मैं ये ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही मतलब 26 तक रोज जानी है। अब आ जाते हैं हम रो नंबर थर्ड में। तो रो नंबर थर्ड में देखिए पहले तो हमने जो उल्टे बुने हैं मतलब स्टार्टिंग के 14 फंदे वैसे ही बुन लेने हैं जैसे हमने पहले रो में बुने थे। जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे, जो सीधे हैं वो सीधा बुन लेंगे। दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे इस तरह से हम बुन लेंगे। फिर ये जो जाली वाला है वहां पे क्या करना है वो देखिए आप। तो अब ये देखिए दो सीधे के बाद अब ये जाली आ रही है हमारी। तो जाली से पहले देखिए एक फंदा हम ये उल्टा इस तरह से बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद अब हमने जाली डालनी है। तो ये जाली आ गई हमारी, तो ये अब हमारी जाली आ गई है। तो एक फंदा हमने उल्टा बुना है, अब उल्टा बुनने के बाद धागा हम पीछे की तरफ कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर सीधी वाली जाली डालनी है। तो अब देखिए इसको पीछे की तरफ कर लिया और इसको हमने इस तरह से रैप करना है, बस सेम जैसे हमने उल्टे में किया था। ये देखिए पहले धागा पीछे की तरफ किया और इस तरह से ही हमने एक बार रैप किया और फिर आप जैसा सीधा बुनते हो उस तरह से हमने इसको सीधा बुन लिया। और अब धागा आगे की तरफ कर लेंगे क्योंकि अब ये उल्टा फंदा आ रहा है। देखिए सीधे फंदे पे हमने सीधी जाली डाल दी और जो उल्टा फंदा आ रहा है उसके ऊपर उल्टी जाली डालने वाले हैं। तो उल्टी जाली डालने के लिए धागा आगे की तरफ है और ये फिर देखिए आपने उसी तरह से देखिए ये धागा आगे की तरफ है और इस तरह से हमने एक बार इसको रैप किया और कुछ नहीं करना है और फिर जैसा उल्टा बुना जाता है फंदा वैसे ही उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह से अब हम हर बार ऐसा ही करते जाएंगे, सीधे पे सीधे और उल्टी पे उल्टी। तो उल्टी जाली बस यहीं पे आएगी आपकी जब आपका फंदे का एंड हो रहा होगा। फिर वापिस अब फिर से उसी तरह से बुन लीजिए, दो सीधे दो उल्टे, तो ये 14 फंदे आपके इसी तरह से आ जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इस तरह की जो सीधे वाली जो है ये इस तरह की चार धारियां बन के तैयार होंगी। तो ये आगे अब मैं नहीं बता रही हूं। तो अब ये आ गई है उल्टी रो। तो उल्टी रो में आपने क्या करना है, देखिए उल्टी रो में फिर से वही आपको सीधे फंदे, अब तो आपको देखिए ये खुद ही देख के ही पता चलता जाएगा कि कौन से फंदे सीधे हैं कौन से उल्टे हैं। तो आपको मतलब इस तरह से देखने की बार बार कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इस तरह से बुन लीजिए। फिर आगे जब ये 14 फंदे ही इस तरह से बुनने वाले हैं, फिर आगे जब ये जाली पर पहुंचते हैं तो मैं बताती हूँ कि जाली कैसे। अब देखिए 14 फंदों को मैंने दो उल्टे दो सीधे करके इस तरह से बुन लिया है। अब आ जाती है ये जाली। तो जाली भी आप देख सकते हो खुद ही कि एक तो हमारा फंदा अब ये सीधा ही रहेगा, तो सीधे फंदे को हमने सीधा ही बुन लिया। और अब ये देखिए ये अब आपके फंदे यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, तो धागा आगे की तरफ करेंगे। बस एक ही फंदा हमने सीधा बुना है, एक सीधा यहाँ पे एक एंड में बुनेंगे और बीच वाले जो जाली क्रिएट की है वो सारे उल्टे हो जाएंगे। तो अब देखिए एक दो और ये तीन, तो तीन अब फंदे मैंने बोला था आपको कि ऑड में ये इंक्रीज होते जाएंगे, यहाँ तीन हुए फिर ऐसे इस तरह से बढ़ते जाएंगे हर एक उल्टे वाली रो में। तो तीन अब हमने उल्टे बुन लिए, अब दोबारा से हम धागे को पीछे की तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बुन लिया है और बाकी अब ये 14 आगे के वैसे ही बुन लीजिए उल्टे सीधे करके जैसे हैं। तो अब हम आ गए हैं रो नंबर 5 में और रो नंबर 5 में भी अब फिर से आप ये स्टार्टिंग के 14 फंदे तो हमने जैसे हैं उल्टे सीधे उस तरह से ही बुन लेने हैं इस तरह से।
अब ये मैंने स्टार्टिंग के 14 फंदे उल्टे सीधे ऐसे ही बुन लिए हैं जैसे हम बुनते आ रहे हैं। इस तरह से देखिए चार आपकी सीधे वाले रो की इस तरह की चार धारियां बन के रेडी होनी चाहिए। और फिर अब देखिए अब आ गए हैं ये जाली वाली डिबी। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग का एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन लेते हैं। तो ये उल्टा बुन लिया। अब हमने धागे को पीछे की, क्योंकि अब ये सीधे वाले फंदों के ऊपर बीच में हम सीधी जालियां डालते हैं, एंड में ही अब हम उल्टी वाली जाली डालते हैं। तो सीधी जाली डालने के लिए धागा पीछे की तरफ कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, दो फंदों को एक साथ बुनना है। लेकिन अब सीधे मतलब कि सीधी जाली डालने के लिए अब जाली भी डालनी है, जाली के साथ ही दो फंदों को कम करना है। तो देखिए फिर से इसी तरह से हम बूल को रैप करेंगे और फिर ये जो दो फंदे हैं हमारे, ये देखिए इस तरह से अब इनको हमने सीधा बुन लिया एक साथ इस तरह से। फिर अब ये दो फंदे ही हमने यहाँ पे एक साथ बुने हैं। अब ये नेक्स्ट, अब ये क्योंकि ये तो उल्टा आ गया तो इसके ऊपर तो हम उल्टी ही जाली डालते हैं। अब ये एक ही सीधा रह गया है तो इसके ऊपर भी जाली डालेंगे सीधी वाली ही, क्योंकि सीधा है तो सीधी ही डालेंगे। तो फिर से हमने वैसे ही रैप किया और ये इस तरह से इसके ऊपर भी सीधी जाली डाल दी। फिर धागा आगे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर उल्टी जाली डालेंगे इस तरह से। फिर बाकी आपके ये 14 फंदे वैसे ही आ जाएंगे, दो उल्टे दो सीधे। तो इनको आप इसी तरह से बुन लीजिएगा। ये जो फंदे आपके यहाँ जाली वाले इंक्रीज हो रहे हैं तो ये 10 रोज में लगातार इंक्रीज होते जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट 10 रोज में इनको डिक्रीज करेंगे, फिर ये यहाँ पे पहुंच करके फिर से वापस उतने ही हो जाएंगे। तो इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। तो नेक्स्ट आ जाती है रो नंबर 6 जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो में फिर से आपको वही करना है। अब ये आपके लगातार अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हम उल्टी रो बुन रहे हैं। तो अब ये मैं लास्ट बारी ही आपको उल्टी रो बता रही हूँ, इसके बाद मैं फिर आपको उल्टी रोज नहीं बताऊंगी। तो एक बार आप देख लीजिए कि जाली के फंदे किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। स्टार्टिंग के 14 तो मैंने ये उल्टे सीधे बुन लिए हैं। अब ये देखिए आप यहाँ से आ जाती है ये आपकी, यहाँ पे सीधा बुन लेते हैं और बाकी अंदर के फंदों को हम बुनते हैं उल्टा। तो देखिए कितने बन जाते हैं अब उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये आपके 5 फंदे उल्टे बन जाते हैं। तो मतलब इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, जो हमारी सीधी रो मतलब 5th रो थी तो यहाँ पे 5th ही जालियाँ, 5 ही जालियाँ इंक्रीज हुई। ठीक है, इस तरह से ही आपका ये चलता जाएगा। अब मैं आपको बार बार उल्टी रो करके नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब आ जाती है रो नंबर 7। तो स्टार्टिंग के फंदों को, ये जो 14 फंदे हैं इनको मैंने उल्टा सीधा इसी तरह से बुन लिया है जैसे ये हैं। ये देखिए आप बस इसी तरह से आपको इनको बुन लेना है। फिर आगे ये जो जाली वाली डिब्बी है, अब इसको देखिए आप। तो ये देखिए अब पहुंच गए हैं हम इस जाली वाली डिब्बी में। तो ये पहले तो मैंने 14 फंदे उल्टे सीधे जैसे थे उनको बुन लिया। अब ये पहला फंदा हम उल्टा ही बुन लेते हैं, हर बार ऐसा ही करना है। अब देखिए अब सीधे अंदर के ये फंदे सारे सीधे बनते हैं तो हम इनको इनके ऊपर सीधी ही जालियां डालेंगे। तो धागा पीछे की तरफ किया है और इसको इस तरह से रैप कर लिया एक बार। और फिर ये देखिए आप इन, अब हमने दो दो करके बुनने हैं। देखिए ये जो सीधा एक फंदा दिखाई दे रहा है और इसके साथ ये जो जाली वाला है, तो इन दोनों को एक साथ बुनना है इस तरह से जाली डालते हुए। फिर से अब ये दो हैं, देखिए एक ये सीधा फंदा है इसके साथ ये जाली वाला है। तो इसको फिर से हम इसी तरह से रैप करेंगे बुल को, जाली भी डल जाएगी साथ में ही। और ये देखिए आप इस तरह से। फिर ये अब एक ही फंदा सीधा बच गया क्योंकि उल्टा वाला है तो इस पे तो हम उल्टी ही जाली डालते हैं। तो इस सीधे पर फिर से हमने सीधी ही जाली डालनी है इस तरह से। और अब ये एक उल्टा बच गया तो इसको फिर से उसी तरह से अब आपने देखिए धागा आगे की तरफ है, रैप किया और फिर उल्टा बुन लिया। बाकी के अब ये आपके वैसे ही हैं, दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे, बस ये ऐसे ही आपने बाकी के 14 फंदों को बुन लेना है। नेक्स्ट ये उल्टी रो है। तो उल्टी अब मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हमने बुननी है। तो नेक्स्ट आ जाती है अब ये रो नंबर 9। तो इसमें पहले स्टार्टिंग के 14 फंदों को मैं ये इस तरह से उल्टा और सीधा बुन लूंगी और अब आ जाती है ये जाली वाले फंदे। तो पहला फंदा हमने उल्टा ही बुन लिया है। नेक्स्ट अब हमने सीधी जालियां डालनी है तो सीधी इस तरह से रैप कर लीजिए और फिर इसे इस तरह से दो दो फंदों को एक साथ बुनना है। ये देखिए फिर से आपने दो फंदों को एक साथ बुनना है जाली डालते हुए।
फिर से हमने अब यहाँ पे तीन बार हमने इस तरह से जालियां डालते हुए दो दो फंदों को एक साथ बुन लिया है। अब ये एक ही बच जाता है और इसके बाद उल्टा आता है, तो उल्टे के ऊपर उल्टी जाली और सीधे के ऊपर, अब इस एक के ऊपर ही हम इस तरह से जाली डाल देंगे। और अब नेक्स्ट उल्टी वाली जाली डालनी है, तो फिर से वैसे ही रैप कर लीजिए और फिर उल्टा ही बुन लीजिए। बाकी आगे के ये 14 फंदे, दो उल्टे दो सीधे, ऐसे ही हैं, तो इन्हें मैं ऐसा ही बुन लूँगी। अब आ जाती है रो नंबर 10, जो कि है उल्टी रो, तो उल्टी उल्टी ही रहेगी, आपको बता दिया है मैंने। अब यहाँ पे आपके सारे ये वाले फंदे इंक्रीज होकर के 9 हो जाएंगे। ये अब 10th रो है और ये आपके अब इंक्रीज होकर के, पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया, बाकी ये अब उल्टे बुनने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, तो 9 फंदे अब आपके उल्टे इंक्रीज हो गए हैं। अब इस जब आपके 9 फंदे इंक्रीज होकर के उल्टे हो गए हैं, तो अब इसके बाद अब नेक्स्ट रो जो हमारी 11th रो है, उसमें अब हमने फंदों को डिक्रीज करना शुरू करना है। तो अब आ जाती है हमारी ये 11th रो, ये देखिए अब आपकी ये पूरी डब्बी इस तरह से बन चुकी है यहाँ तक। अब हमने इसको वाइंड अप भी करना है और इस डब्बी को अब हम लगातार डिक्रीज करते जाएंगे, ताकि ये फिर से उसी जो हमारे फंदे इंक्रीज हो रखे हैं, फिर वो फिर से उतने ही हो जाएंगे। मतलब लगातार हम इसी तरह जिस तरह से इंक्रीज किया, उसी तरह से लगातार हम इसको डिक्रीज भी करते जाएंगे और साथ में इस तरह से वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि अब ये देखिए आप इस तरह से ये फैल गया, तो इसको वाइंड अप कर लेंगे तो तब ये अच्छा लगेगा फिर। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे ये जो 4 देखिए आप, ये इस तरह से सीधी हमने ये बनाई हुई है, तो इनके बीच में हमने सिलाई लगानी है। देखिए कैसे, ये पहले मेरे एक्स्ट्रा थे, धागा पीछे की तरफ करेंगे और अब ये जो देखिए ये जो 4 2-2 के पेयर में हमारे सीधी सीधी ये मतलब कि 4 जो धारियां बन के रेडी हुई हैं, अब इनके बीच में अब ये देखिए सीधी के बीच में ये जो डिब्बी रह गई इसको छोड़ दीजिए, ये जो सीधा दो हमारे लास्ट वाले 4 नंबर का जो 2 फंदे हैं, यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से फिर जैसे सीधा बुनते हैं मतलब वैसे ही बुना। अब हम इसको आगे की तरफ इस तरह से लेके आ जाएंगे, थोड़ा सा आप इसको टाइट कर लीजिएगा, ज़्यादा लूज अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से। फिर ये जो सीधे वाला फंदा है इस तरह से हम लेके आए हैं आगे, फिर ये सीधे वाला फंदा हमने फिर से सीधा ही बुना, पहला स्टार्टिंग का सीधा ही था, और फिर इसको इस तरह से ला करके इसके ऊपर से ड्रॉप कर लिया, फिर ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर ये अगला फिर से सीधा ही है, तो इसको भी सीधा ही बुन लेंगे। बाकी अब हमने वैसे ही इन 14 फंदों को बुन लेना है, तो जो जैसे सीधे हैं जो सीधे हैं सीधे, उल्टे हैं उल्टे, तो ये स्टार्टिंग के 2 सीधे हो गए, अब ये 2 उल्टे हैं, फिर से सीधे, फिर उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और एंड में ये फिर से 2 सीधे हमारे फंदे बन जाते हैं इस तरह से। इस वाइंड को आप थोड़ा सा टाइट ही रखिएगा, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर अब इस डब्बी को अब हमने घटाना शुरू करना है, तो घटाने के लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखिए 3 फंदों को एक साथ बुन लेना है इस तरह से, उल्टा ही बुनना है पहला फंदा, क्योंकि हम उल्टा ही बुनते हैं, तो यहाँ पे भी उल्टा ही बुनेंगे। फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे, क्योंकि बीच में ये सीधी जालियां डलती हैं, तो फिर से इस तरह से रैप किया, फिर 2 फंदों को आपने ये देखिए ये जो सीधा है इसके साथ ये जो जाली वाला है, इन दोनों को अब एक साथ इस तरह से सीधा बुनना है जाली के साथ। फिर नेक्स्ट फिर से आप इसी तरह से बुनोगे, फिर से नेक्स्ट इसी तरह से बुनेंगे, और अब देखिए ये जो उल्टा वाला फंदा है इसके साथ अब ये एक रह गया, अब इन दोनों को भी हमने एक साथ बुनना है, लेकिन यहाँ पे हम एंड में सीधी उल्टी जाली डालते हैं, तो धागा अपनी तरफ किया और फिर इस तरह से घुमाया और फिर इसको सीधा बुन लिया, ये देखिए इस तरह घुमाने से ये जाली भी डल गई,
तो इस तरह से फिर ये जाली डाल ली है हमने। फिर इसके बाद देखिए आप आगे के जो फोर हमारी ये इस तरह के मतलब कि ये जो लाइंस आएंगी इनके ऊपर हमने फिर से इनको वाइंड अप करना है। तो धागा पीछे की तरफ कर लेंगे और यहाँ पे क्योंकि मेरे अब यहाँ पे कोई फंदे नहीं बचे हैं तो यहाँ पे ही दो सीधे के बाद में ही जैसे हमने स्टार्टिंग में किया वैसे ही यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको सीधा ही बुन के जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे ही इस तरह से बुन करके धागा आगे की तरफ को लेके आए और स्टार्टिंग का एक फंदा हमने सीधा बुना और फिर ये जो हम आगे लेके आए हैं इसको इसके ऊपर से ला करके इस तरह से ड्रॉप कर लिया। ऐसे ही बुन लेने हैं, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, सीधे दो उल्टे, बस जैसे हैं वैसे ही। अब ये देखिए जैसे हैं वैसे ही हमने इनको बुनना है और कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट आ जाती है रो नंबर 12 जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो मैंने आपको बता दिया है वैसे ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी ये रो नंबर 13। तो उस 13 में फिर से अब आपको क्या करना है, जो हमारे ये शुरू के 14 फंदे हैं वो तो वैसे ही रहने हैं, दो उल्टे दो सीधे। तो ये देखिए वैसे ही आपको इनको बना लेना है, दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे, इसी तरह से चलता जाएगा। आगे जो मैं ये घटा रहे हैं इसको डब्बे को वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हमने फिर से वैसे ही कम करते जाना है, तीन फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा बुनना है, तीन फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है। ये यहाँ पे हम कोई जाली नहीं डाल रहे हैं, फिर हम धागा पीछे की तरफ करेंगे। अब हमने जाली डालनी है तो इस तरह से फूल को रैप किया, फिर ये दो फंदे एक साथ इस तरह से जाली के साथ बुनने हैं। फिर से हमने बुल को इसी तरह से धागा पीछे की तरफ ही है बस रैप किया और ये इस तरह से ही ये दो फंदे हमने एक साथ जाली के साथ बुन लेने हैं। फिर अब ये देखिए अब ये उल्टा वाला है और इसके साथ ये जो एक रह गया है तो एंड में हम दो फंदों को एक साथ कम कर रहे हैं और जाली के साथ। तो यहाँ पे हम उल्टी वाली जाली डालते हैं तो धागा अपनी तरफ करके बुल को इस तरह से रैप करके दो फंदों को एक साथ बुन लिया। तो आगे के ये जो 14 फंदे हैं इन्हें भी हमने वैसे ही बुन लिया जैसे हम बुन रहे हैं, दो उल्टे दो सीधे इसी तरह से। नेक्स्ट उल्टी वाली रो है तो वो भी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो अब आ जाते हैं हम सीधी वाली रो में। तो ये 14 फंदे तो मैं वैसे ही बुन लूँगी जैसे हैं एज इट इज़, दो उल्टे दो सीधे। अब देखिए आप यहाँ पे जो हम अब ये डिब्बी कम कर रहे हैं फंदों को, तो इस डिब्बी में अब फिर से आपने इसी तरह से तीन तीन फंदों को कम करते जाना है। स्टार्टिंग के हम कोई जाली नहीं डाल रहे हैं, स्टार्टिंग के तीन फंदों को एक साथ बुन के इस तरह से उल्टा ही बुन रहे हैं, एक बना लेते हैं। फिर उसके बाद धागा पीछे की तरफ करते हुए इस तरह से धागा पहले रैप कर लिया क्योंकि हम दो फंदों को एक साथ ये सीधी जाली डाल रहे हैं। तो इस तरह से एक बार फिर अब ये एक ही यहाँ पे डली और इसके बाद ये देखिए एक ये अब हम लास्ट के भी दो फंदों को एक साथ बुन रहे हैं। तो धागा अपनी तरफ क्योंकि लास्ट वाले फंदे पे हम उल्टी जाली डालते हैं तो फिर से धागा इस तरह से रैप किया और दो इन दोनों को एक साथ उल्टा ही बुन लेना है। फिर आगे के 14 फंदे वैसे ही हैं और उल्टी रो भी वैसी ही है। तो अब आ जाती है ये सीधी वाली रो। अब इसमें फिर से आपको ये स्टार्टिंग के 14 फंदे दो उल्टे दो सीधे करके बुन लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हम बुन रहे हैं। तो इसमें दिखाने वाला कुछ नहीं है, मैं आगे दिखाती हूँ जो डब्बी हम घटा रहे हैं उसमें। अब ये देखिए अब यहाँ से अब हम फिर से तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, दो ये मेरे सीधे थे, अब ये तीन फंदों को एक साथ बुनना है उल्टा और एक बना देना है। फिर आगे ये आप देख सकते हो कि अब ये दो फंदे आगे हैं तो यहाँ पे अब हमने उल्टी ही जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ ही है तो इसको रैप कर लेना है बुल को इस तरह से और इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। तो अब ये हमारा एक ही फंदा उल्टी वाली रो में उल्टा बनेगा, जाली वाला है जो, बाकी के 14 फंदों को हमने वैसे ही बुन लेना है, दो उल्टे दो सीधे करते हुए। तो अब ये डब्बी को घटाते हुए मैं एंड वाली रो में पहुंच गई हूं सीधी वाली। तो अब ये जो स्टार्टिंग के हैं मेरे 14 फंदे इनको तो मैंने वैसे ही बुन लेना है, दो उल्टे दो सीधे करते हुए।
अब देखिए आप यहाँ पे, अब ये दो ही हमारे ये मतलब कि अब हम रह जाते हैं इकट्ठे बुनने के लिए, तो अब हमने इन दोनों को बुन के एक साथ एक कर लेना है इस तरह से, और अब ये एक उल्टा रह गया है, तो अब हमने यहाँ पे कोई जाली नहीं डालनी है। अब ये देखिए फिर से अब आपके वैसे ही बन गए, ये दो सीधे थे, ये दो उल्टे हो गए, दो सीधे दो उल्टे। अब आपने क्या करना है, उल्टी रो उल्टी ही चलेगी अब उसमें भी, क्योंकि अब दो कोई भी अब जाली नहीं है, तो बस एज इट इज चलेगी, दो जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए आप यहाँ तक, अब ये अब हमारी डब्बी क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट वाली डब्बी हमें दोबारा से चलाने के लिए क्या करना है, हमें छह रोज हमने फिर से जैसी हैं वैसे ही बुननी है, मतलब तीन रोज सीधी आएंगी और तीन रोज उल्टी आएंगी, तो टोटल हो जाती हैं छह। फिर छह हम जब बुन लेंगे तो दोबारा से फिर से हमने रो वन की तरह जैसे हमने यहाँ से चले थे वैसे ही अब हमने ये डब्बी चलाना स्टार्ट करनी है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये चार हमारे इस तरह से ये मतलब सीधी लाइंस बनी हैं, तो इनके दो के बीच में अब हमने ये स्टार्ट करनी है। यहाँ से आप देख सकते हो जो हमने बाइंड अप किया था, तो यहाँ दो के बीच में, अब स्टार्टिंग में आप इस तरह से कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, तो यहाँ पे हम दो को ही वाइंड अप करेंगे क्योंकि अब आगे तो हमारी है नहीं, तो यहाँ स्टार्टिंग में दो को ही मैंने वाइंड अप किया है। फिर इसके बाद ये जो ये देखिए आप ये जो बाइंड किया है इसके बीच में ये अब हमने डब्बी डालना शुरू की है। फिर ये आगे भी बस इसी तरह से, फिर हमने नेक्स्ट फोर जो है उनको वाइंड अप कर लिया। वाइंड अप हम तभी करते हैं जब ये हमारी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने के बाद ही वाइंड अप करते हैं, और जब डिक्रीज कर रहे होते हैं तब हम कुछ नहीं करते। यहाँ से आप देख सकते हो, आपको क्लियर हो रहा होगा, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ से ये मेरी स्टार्टिंग थी, तो फिर यहाँ से फिर ये छह रोज बुनने के बाद फिर से हमने वैसे ही स्टार्ट किया, तो आगे को फिर इसी तरह से कंटिन्यू होती जाएगी।